देश में कई टोल प्लाजा हैं जहां वाहनों को टैक्स देना होता है। आप जानते होंगे कि हरियाणा और पंजाब में कुल 60 टोल प्लाजा हैं, जो 40-60 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। ऐसे में अब हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। इन्हीं टोल प्लाजा में से करीब 20 टोल प्लाजा हटाए जा रहे हैं, जिनकी लिस्ट सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश से रिपोर्ट की मांग की है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो टोल प्लाजा जो हटाए जा सकते हैं। 60 किलोमीटर के क्षेत्र में जो 20 टोल प्लाजा आते हैं जिन्हें हटाना है, इनमें अंबाला, पानीपत, घरौंदा, सैनी माजरा, यमुनानगर, भिवानी मोरवाला, हिसार नरवाना, बाड़ोपट्टी, चौधरीवास, मदीना, रामायण, लांधड़ी, भावदीन, खटकड़, सोनीपत रोहत, मकरौली, डाहर, भागाना, छारा और झरोठी के नाम शामिल हैं। सरकार इन्हीं 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा की संख्या को कम करने की योजना बना रही है। टोल प्लाजा को हटाने से टैक्स बढ़ सकते हैं, यानी अब हाईवे की दूरी पर ही टोल टैक्स लिया जाएगा। खबर है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड खंगाला तो कुछ तथ्य सामने आए। अंबाला दिल्ली हाईवे पर मूर्थल से लेकर पानीपत तक 3 टोल प्लाजा हैं, जिसे हटाकर 2 किया जाएगा। अगर 60 किलोमीटर की दूरी पर 2 टोल प्लाजा हैं तो वो हटा दिया जाएगा। 3 सालों में ही सरकार को टोल प्लाजा से 81,227 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। आपको बता दें कि 12 टोल प्लाजा बनाने में करीब 12 करोड़ रुपए की लागत आती है, जबकि 40 टोल को बनाने में 4 अरब रुपए की लागत आएगी। अब सरकार की नई नीतियों से लोगों को क्या फायदा होगा, ये देखना होगा। एक टोल एनएच 1 के 60 किलोमीटर के भीतर और दूसरा एनएच पर लगाने की संभावना है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सत्य खबर की खास रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।